उसमें पराठा पका देंगे जरा। मेनू आंदा ही भला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमिन सुम आमिन। आज हम मटर गोश्त बना रहे हैं और जिसके लिए मैंने आधा किलो से ज़्यादा गोश्त लिया है, तकरीबन ये 600 ग्राम है। दो मीडियम साइज़ के प्याज और इसी तरह हमने लहसुन लिया है, 25-30 जवे हमने लहसुन के ले लेने, ये देसी लहसुन है, ठीक है। और अदरक हमने थोड़ा इसमें से ज़्यादा डाला है क्योंकि इसमें मटर जा रहे हैं, तो इसमें अदरक जो है वो क्योंकि बादी होते हैं मटर, तो ये देखिए अदरक के टुकड़े फ्रीज करके हमने रखे हुए हैं, कितने छोटे छोटे से 4-5 टुकड़े, तो इनको हम अभी पीसेंगे, बिल्कुल पेस्ट बनाकर लेकर आते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। और गोश्त मैंने आपको बता दिया है, बकरे का ये गोश्त है और ये गोश्त मटर गोश्त बनने लगा है, ठीक है। तो इसको मैं पीस के लेकर आती हूँ। ये मैं पीस कर लेकर आ गई हूँ प्याज अदरक लहसुन, इसमें ये प्रेशर कुकर में अब मैं पका रही हूँ। हालांकि मैं प्रेशर कुकर में आपको पता नहीं पकाया करती, लेकिन चूँकि गैस की लोड शेडिंग हो रही है और खाना जल्दी पकाना है और सिलेंडर पे पकाना है तो इसलिए हमें ज़रा ना प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इसी में हमने गोश्त शामिल कर देना है, गोश्त को धो लीजिएगा। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च मैंने 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ली है और 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और इसके अलावा तकरीबन 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये टमाटर है, ठीक है, हमने फ्रीज़र में रखा हुआ है इसको। टमाटर को पीस के इसका छिलका और बीज निकाल के इसको प्यूरी बना के इसको फ्रीज़र में रखा है। अगर आपने वैसे टमाटर डालने तो 2 टमाटर डाल दीजिएगा इस टाइम पर। अब हमने इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना है, मिक्स कर लें पहले अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी क्योंकि गोश्त गलने के लिए पानी तो डालना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसको स्टीम दे देते हैं, बिस्मिल्लाह। ढक्कन मैंने लगा दिया है, अब जब ये स्टीम बोलेगी तो 15 से 20 मिनट हम स्टीम को बोलने देंगे, फिर उसके बाद प्रेशर कुकर को चेक करेंगे गोश्त गला है कि नहीं गला, ठीक है। ये देखें गोश्त गल चुका है और पानी हमने थोड़ा कम ही इसलिए डाला था कि फिर भूनने में गैस ज़ाय होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी काट ही पाया सी, इसी में गोश्त गल गया है माशाल्लाह से। तो अब क्या करते हैं, इसको दोबारा चूल्हे पे रखते हैं और इसमें डालते हैं तकरीबन 1/2 कप से ज़्यादा दही, फेंट के डाल दें। 1/2 कप से ज़्यादा, जैसे दही था 1/2 कप से ज़्यादा, तेल भी 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा डाल दें। इसको थोड़ा सा भूनते हैं ताकि इसकी छान ख़त्म हो जाए। गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है और ऊपर ऑयल आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इसमें 1.5 कप मटर, थोड़ा सा पानी डाल के मटर डाल दें। तो मटर को तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे गलते हुए क्योंकि मटर जो है वो इतना टाइम नहीं लेते। मुझे मटर कम लग रहे थे, मैंने 1/2 कप मटर और डाले, ठीक है। मटर गल चुके हैं और मटर का टेस्ट जो है वो मीठा मीठा सा होता है, इसलिए हम थोड़ी सी इसमें टाटरी डालेंगे। आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो भाई डालूंगी क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, वरना बहुत ही ज़्यादा मीठे मीठे से लगते हैं मटर ना। तो इसको मिक्स करते हैं। ये हमारी हांडी जो है माशाल्लाह से तैयार हो गई है। अब इस टाइम पर हमने चूल्हा बंद करना है। तो 1/2 टीस्पून के करीब गर्म मसाला, 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा फ्लेम स्लो कर दे, थोड़ा तरी आ जाए। तो फिर मैं, ये तैयार हो गई हांडी, इसको प्लेट में निकाल के बताती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें पराठा पका देंगे जरा। मेनू आंदा ही भला। मैं क्या, चल अज हांडी मैं पका ली तो पराठा तू एडी रह गई, मैं तेल मैं पवानी है, गड्डी तू चला ले, आंटी मैं पकानी है, रोटी तू पका ले, सही है। चलो हूँ मैं पंजाबी दस दाँ कि ना, मैं ना 1/2 किलो तो ज़्यादा गोश्त लिया, तकरीबन 600 ग्राम से। हाय हाय हाय, की खुशबू है माशाल्लाह। अच्छा, तो वह ना मैं कच्चा लसन प्याज, सूँ पता है वह साड़ी मावं के हाथ के जायके तो ही, मैं नहीं लसन प्याज भुनिया, तो उस बाद मैं ग्राइंडर करके ना तो वह पा लिया, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला, गरम मसाला तो खरा पाया, जीरा वगैरह पा के ना, तो मोटी इलायची,
ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁੰਨਿਆ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਮਾ ਆਸਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੰਨਿਆ ਮੈਂ, ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੱਪ ਮਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਬਸ, ਖਤਮ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕਣਾ ਤਾਂ ਪੱਕਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਲਨ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਹੈ, ਐਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾ ਕਈ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੂੰਆਂ ਤਾਰ ਮਟਰ ਮਟਰ ਗੋਸ਼ਤ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਮਟਰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਟਰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਟਰ ਮਸ਼ਰ ਮਟਰ ਗੋਸ਼ਤ। ਅੱਛਾ ਮਟਰ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰੀਤਾਜ਼ੂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।